आप सुन रहे हैं एक कहानी ऐसी भी नीतीश के साथ। रवि, 23 वर्ष का रवि अपने 3 दोस्तों के साथ एक टूर पे गया था। उसके 3 दोस्त लक्ष्मण, पवन और विकास। इन तीनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन रवि को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो बहुत सारी फ़ोटो खींचना चाहता था। टूर पे जाते जाते बस से काफ़ी अच्छी अच्छी उसने पहाड़ियों की फ़ोटो निकाली। और जब ये चारों दोस्त अपने रिजॉर्ट पे पहुँचे तो चारों दोस्तों ने मिलके ये प्लान बनाया कि आज रात में 11 बजे हम एक किला है वहाँ फ़ोटो खींचने जाएंगे। तो रवि को तो मानो जैसे सोना मिल गया हो। वो तो बहुत खुश हो गया था फ़ोटो का नाम सुन के कि उसे फ़ोटो खींचने को मिलेगा। देखते ही देखते रात के 11 बजे 3 दोस्त पवन, विकास, लक्ष्मण, ये तीनों खाने पीने का प्रोग्राम करने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने गए ताकि आग लगा से वो एक जगह बैठ के खाना पीना खा सकें। और इसी बीच रवि ने अपना कैमरा उठाया और अपने कैमरे के लेंस उठाए और चला गया उसी किले में फ़ोटोग्राफी करने। जैसे ही रवि किले के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो किला काफ़ी खंडर था और बाहर एक टूटे फूटे बोर्ड पे लिखा हुआ था चूनागढ़। इस किले का नाम था चूनागढ़ का किला। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक कुआं है जिसमें यहाँ की रानी नहाती थी। ये सब पढ़ के रवि के अंदर और उत्साह आया और वो सीधा किले के अंदर चला गया। किले के अंदर पहुँचते ही उसने चारों तरफ देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतने में रवि ने अपने कंधे से अपना कैमरा उतारा और उसमें अपने लेंस को लगाने लगा। और लेंस लगाते लगाते अचानक रवि को ऐसा लगा कि उसके तुरंत पीछे ही कोई खड़ा है। और रवि के कंधे पर रवि को ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ रखा है और वो हाथ बहुत ही ठंडा था। इतने में रवि जैसे ही पीछे मुड़ के देखने वाला था कि तभी उसके पहले रवि को पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। धक्का देते ही रवि का कैमरा उसके हाथों से छूट गया और लेंस भी गिर गया। रवि ने सोचा कि लगता है मेरा लेंस टूट गया होगा। उसने ये सब बातें भुला के अपने कैमरे का लेंस उठाया और उसे अपने कपड़े से पोंछने लगा। जब उसने देखा कि उसके कैमरे को एक खरोच तक नहीं आई थी, वो ये सब देख के काफ़ी अंदर से शांत हुआ कि हाश, मेरा कैमरा सही सलामत है। इतने में तभी पीछे से एक आवाज़ आती है।